हालांकि कानपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी तो नहीं है, पर इस सूबे का सबसे खास शहर तो है। ये एक बेहद खास इंडस्ट्रियल सिटी है जो कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। हर कानपुरिये को इस शहर से संबंध होने का फक्र होता है। बदलते हिंदुस्तान को जानने के लिए आपको कानपुर ही आना पड़ेगा। कुछ ज्यादा खर्चीला नहीं है हमारा कानपुर। यहाँ 5-स्टार कल्चर अभी नहीं आया, इसलिए यहाँ सस्ते होटल मिल जाएंगे और धर्मशालाएं भी। 25 रुपए की दर से आज भी आपको एक वक्त का भोजन मिल जाएगा। सुबह नाश्ते में आप सफेद मक्खन लगी ब्रेड खाइए और मट्ठा पीजिए। शाम को समोसे व चाय का आनंद लीजिए। कानपुर की खास बात है यहाँ के लोग, जो आपको अपने जैसे लगते हैं। यहाँ के लोगों को फुर्सत है आपके साथ शाम बिताने की और आपकी मदद करने की भी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कानपुर में घूमने के प्रमुख स्थानों के बारे में। नंबर 10 पर है बिठूर। कानपुर भ्रमण की शुरुआत आप राज्य के ऐतिहासिक शहर बिठूर से कर सकते हैं। ये शहर पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। अपने ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व के कारण यह भारत के हर कोने से सैलानियों को आकर्षित करता है। आप यहाँ वाल्मीकि आश्रम, ब्रह्मवत घाट, पत्थर घाट, ध्रुव टीला, सिद्ध धाम आश्रम जैसे विभिन्न पर्यटक स्थलों की सैर का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 9 पर है ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क। कानपुर में 25 एकड़ जमीन पर तैयार किया गया ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क मंडाना बिटूर रोड पर है और एशिया का सबसे रोचक थीम पार्क है। यहाँ एंटरटेनमेंट से लेकर खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था है। नंबर 8 पर है भीतरगांव मंदिर। भीतरगांव में एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 6वीं शताब्दी में भारत के स्वर्णिम गुप्त काल के दौरान हुआ था। इस मंदिर को सबसे प्राचीन हिंदू पवित्र स्थान माना जाता है। दोस्तों, मंदिर का गर्भगृह 15 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा और 2 मंजिला है। नंबर 7 पर है जैन ग्लास टेम्पल। जैन कांच मंदिर का निर्माण जैन समुदाय द्वारा उनके धर्म के 24 तीर्थंकरों की याद में करवाया गया। मंदिर की जमीन संगमरमर की बनी हुई है, जबकि मंदिर की दीवारों और छतों को कलात्मक ढंग से कटे हुए कांच से सजाया गया है। ये मंदिर सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 से 5 बजे के बीच में ओपन होता है और ये कानपुर के जनरलगंज में स्थित है। दोस्तों, नंबर 6 पर है कानपुर के मॉल। लखनऊ के बाद कानपुर उत्तर प्रदेश की सबसे पॉपुलेटेड सिटी है, तो यहाँ शॉपिंग को चाहने वाले लोगों की संख्या भी अधिक है। जेड स्क्वायर शॉपिंग मॉल, जो कि बड़े चौराहे पर है और भारत में 11वां सबसे बड़ा मॉल है, और रेव 3 मॉल जो कि मॉल रोड पर है, कानपुर वालों के लिए शॉपिंग और घूमने की बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ फैमिली के साथ मल्टीप्लेक्स में मूवी और फूड कोर्ट में खाना एंजॉय कर सकते हैं और लग्जरी ब्रांड्स और पॉपुलर रिटेल स्टोर्स में शॉपिंग का मजा उठा सकते हैं। नंबर 5 पर है पनकी हनुमान मंदिर। पनकी हनुमान मंदिर कानपुर का एक प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि पनकी मंदिर में भगवान हनुमान को दिन में 3 दिव्य रूपों में देखा जा सकता है। सुबह में भगवान का चेहरा बाल हनुमान, दोपहर के दौरान भगवान का चेहरा युवा और शाम तक भगवान हनुमान को महापुरुष के रूप में देखा जा सकता है। नंबर 4 पर है कानपुर जूलॉजिकल पार्क। वैसे तो कानपुर में घूमने के लिए कई पौराणिक स्थान है, लेकिन अगर आपको परिवार सहित घूमने का आनंद लेना है तो कानपुर के चिड़ियाघर आइए। ये कानपुर के नवाबगंज में स्थित है। कानपुर चिड़ियाघर 77 हेक्टेयर में फैला हुआ है और भारतवर्ष के प्राचीन चिड़ियाघरों में से एक है, जिसको 1974 में जनता के लिए खोला गया था। ये चिड़ियाघर लोगों के लिए सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक खुलता है और सोमवार को ये बंद रहता है। नंबर 3 पर है कानपुर के बाजार, सीसामऊ मार्केट और नवीन मार्केट। सीसामऊ मार्केट कानपुर की महिलाओं की फेवरेट प्लेस है। यहाँ की दुकानों में आपको साड़ी, दुपट्टे, सलवार कमीज और चिकन के कपड़े मिलते हैं। ये कानपुर की सबसे सस्ती बाजारों में से एक है और अगर आपके पास बार्गेनिंग स्किल है तो आपको यहाँ घर का हर सामान सस्ते रेट पर मिल जाएगा। दोस्तों, कम कीमत पर हैंडमेड आइटम और कपड़े खरीदने के लिए नवीन बाजार भी एक बहुत अच्छी जगह है। यदि आप ब्रांडेड कपड़े खरीदने के शौकीन हैं तो नवीन बाजार के आसपास कई शॉपिंग मॉल भी हैं। नंबर 2 पर है इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर कानपुर के बिट्टूर रोड पर स्थित है और पश्चिम बंगाल के इस्कॉन मंदिर के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। ये मंदिर हर साल अपनी खूबसूरती के चलते लाखों भक्तों और पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस मंदिर की टाइमिंग है सुबह 4:30 बजे से दोपहर में 1 बजे तक और इवनिंग में 4 बजे से रात को 8:30 बजे तक। नंबर 1 पर है जेके मंदिर।
जेके टेम्पल या राधा कृष्ण मंदिर कानपुर के सर्वोदय नगर में स्थित है। इसका निर्माण जेके ट्रस्ट द्वारा करवाया गया। राधा कृष्ण मंदिर में 5 मंदिर हैं जो विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित हैं। इस मंदिर को नक्काशीदार सफेद संगमरमर से बनाया गया। इस मंदिर में दर्शन के लिए जाने का सबसे अच्छा समय किसी भी प्रमुख त्यौहार जैसे जन्माष्टमी और दिवाली के दौरान होता है। मंदिर की टाइमिंग सुबह 5 बजे से दिन में 12 बजे तक और इवनिंग में 4 बजे से रात को 10 बजे तक है।